कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने स्वास्थ्य विभाग की सांसें फुला रखी है, लेकिन इस नए वेरिएंट से मरीज पीड़ित को लेकर बुधवार तक अच्छी खबरें सामने आ सकती है। जहां नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने प्रदेश में अब तक 9 मामले सामने आए हैं, सभी मरीजों को RUHS अस्पताल में एडमिट किया गया है। साथ ही विदेश से आई एक 19 वर्षीय युवती और जयपुर के संक्रमित परिवार के एक व्यक्ति को भी संदिग्ध ही मानते हुए RUHS में उपचार जारी है। मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि मरीजों की सभी तरह की जांचें की गई, साथ ही SMS मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि अब तक जो भी मरीज आए हैं उसमें 9 मरीजों की ओमिक्रॉन पुष्टि हो गई है, शेष मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। डॉक्टर भंडारी प्रदेशवासियों को कोरोना से बचने के लिए दोनों डोजेज वैक्सीन लगाने की सलाह दी, साथ ही बताया कि कोरोना वैक्सीन हर स्तर के वेरिएंट पर काम कर रही है। RUHS अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि RUHS अस्पताल में 5वीं मंजिल पर 100 बेड्स नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं, जहां कुल 11 संक्रमित और संदिग्ध मरीज भर्ती हैं, साथ ही 13 अन्य पॉजिटिव मरीज भी भर्ती हैं। हाँ, अब तक जैसे RUHS की हम बात करें तो करीब 9 पेशेंट ओमिक्रॉन स्ट्रेन डायग्नोस होकर RUHS के अंदर एडमिटेड हैं और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनिशियली जो सबसे पहले जो 4 फैमिली मेंबर्स आए थे जो डायग्नोस हुए थे ओमिक्रॉन स्ट्रेन को लेके, शुरू से लेके आज तक की अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर अभी वर्तमान में किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। और जो 5 फैमिली अदर फैमिली मेंबर्स जो एडमिट हुए थे वो भी सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक है। चूँकि एक प्रोटोकॉल के तहत हमने उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करे हैं, उनका CT स्कैन भी किया है, उनके वाइटल्स भी चेक करें, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देखा है, तो ये सारी की सारी जितने भी टेस्ट हैं ब्लड और CT स्कैन वगैरह वो सारे विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं। और जो कंडीशन हम मॉनिटर करते जा रहे हैं उसमें उनके अब आगे की तरफ ऐसा कोई फिलहाल कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, और एज़ पर प्रोटोकॉल हम उनका आगे इन्वेस्टिगेशन और जो RT-PCR प्लस जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह जो करी है उसी के तहत हम उनका ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत पीसफुल फेज में थे जब सेकेंड वेव भी खत्म होने के कागार पे थी और डबल वैक्सीनेशन भी हम कर चुके थे, लेकिन बीच में ओमिक्रॉन नामक वेरियंट आने से एक बार वापस हलचल हो गई। ये ओमिक्रॉन वेरियंट सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका में पाया गया और ये ट्रेवलर्स के द्वारा हमारे प्रदेश में पहुँचा। ये ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है। शुरू में चिंता का विषय इसलिए बना क्योंकि इसके स्पाइक्स जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के, उसमें 30 तरह का वेरिएशन पाया गया और वो जल्दी से लंग्स को संक्रमित कर देता है। अतः ओमिक्रॉन इसलिए चिंता का विषय बना कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्टिविटी डेल्टा से कई अधिक पाई गई। अतः हमें चिंता ये हो गई कि अगर हमने आने वाले पॉजिटिव पेशेंट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे और ट्रीट करेंगे तो हम इसके स्प्रेड को बचा सकते हैं। उसी के दौरान हमने 4 जो पॉजिटिव पेशेंट आए उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन किया और कोविड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट हमने दिया। उनके कॉन्टेक्स्ट में जो 30-35 लोग आए थे सबको स्क्रीन किया और 5 जो पॉजिटिव आए थे उनको भी क्वारंटाइन करके प्रॉपरली ट्रीट किया। बेस्ट कोविड प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट और सपोर्टिव मैनेजमेंट के कारण आज सारे 9 पेशेंट रिकवर कर रहे हैं और सारे 9 पेशेंट ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं, तो ये तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात है। जहाँ तक ओमिक्रॉन के क्लिनिकल प्रोफाइल का सवाल है, ऐसा देखने में आया है कि डेफिनेटली ये ज़्यादा ट्रांसमिटेबल और इन्फेक्टिव है, बट ये थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है और चूंकि डबल वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन अधिक है अतः उनमें ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम करेगा, क्रिटिकल और वेंटिलेटर वाली स्थिति शायद नहीं आएगी। मैं उदाहरण दूं आपको साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे जब 1000 से ज़्यादा पेशेंट पाए गए थे सिर्फ 4.1% ICU बेड एक्वायर हुए थे। अतः सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड ये है कि ये शायद माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज करेगा, बट ओमिक्रॉन की ट्रांसमिबिलिटी और इन्फेक्टिव रेट को देखते हुए हमें सेकेंड डोज लगाना बहुत अनिवार्य हो गया है। अतः मैं आम जन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन की तीव्रता जो फैलने की को देखते हुए जो लोग सेकेंड डोज से अभी बच चुके हैं, वंचित हो चुके हैं, हर व्यक्ति अपने आसपास के 5 से 10 लोग चिन्हित करें जिनको सेकेंड डोज नहीं लगाए और डबल डोज लगना चाहिए।
अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्किंग को फॉलो करें और सेकेंड वैक्सीन लगा दें तो मैं सोचता हूँ ओमिक्रॉन के विकार से हम